वेलकम टू मेड भैया। आपके नीट के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं और जिन्होंने AFMC का कट ऑफ क्लियर कर लिया है, हार्टियस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आप ही के डिमांड पे हम अब लाए हैं टोयलर सैंपल पेपर सीरीज। वील बी स्टार्टिंग विद टेस्ट नंबर वन। आपके बहुत रिक्वेस्ट आए थे कि टोयलर का पेपर कैसा होता है, उसको सॉल्व कैसे करना है, किस पैटर्न का होता है, उसी लिए हमने टेस्ट नंबर वन से आज हम शुरू करेंगे। ये जो टेस्ट होगा, जिस पैटर्न में पूछा गया है, उसी पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन AFMC में भी आते हैं। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनको इस चीज की जरूरत है, बिकॉज ये बहुत काम आने वाला है। सो वील स्टार्ट विद आर टेस्ट नंबर वन। सेक्शन ए इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि 20 मार्क्स का होगा, इसमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस है आपको। करेक्ट आंसर आपको इसमें से चूज करना है। क्वेश्चन वन, चूज द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू ऑब्स्क्योर। ऑप्शन ए वेग, बी क्लियर, सी हिडन, डी अनसर्टेन। क्वेश्चन टू, सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही डैश अ बुक व्हेन आई कॉल्ड हिम। ए रीड्स, बी इज रीडिंग, सी वॉज रीडिंग, डी हैज रेड। मैं हर एक क्वेश्चन शॉर्ट टाइम के लिए फ्लैश करूंगा, पर अगर आपको इसमें ज्यादा टाइम लगता है तो जरूर पॉज कीजिए वीडियो, क्वेश्चन कीजिए, आराम से अपना आंसर एक पेज पे लिख लीजिए और हर एक सेक्शन के बाद फिर आंसर की आपके साथ शेयर की जाएगी, ताकि आप अपने मार्क्स को टैली कर सके। क्वेश्चन थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज ग्रामेटिकली करेक्ट। शी डोंट लाइक टू डांस। बी सी डजंट लाइक्स टू डांस। सी शी डजंट लाइक टू डांस एंड डी शी डोंट लाइक्स टू डांस। चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड एक्सक्विजिट। ए ऑर्डिनरी, बी ब्यूटिफुल, सी कॉमन, डी प्लेन। क्वेश्चन फाइव, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। ही इज प्रोफिशियंट ब्लैंक इंग्लिश। ऑप्शन आपके हैं ऑन, इन, विद, एट। नाउ आंसर की टू टोयला टेस्ट नंबर वन, जो सेक्शन ए था, उसका आंसर की यहां पे शेयर किया जाएगा। आप अपने मार्किंग कीजिए ताकि लास्ट में आप अपना टोटल कर सके। सेक्शन ए के इंग्लिश लैंग्वेज के आंसर्स ऐसे हैं। फर्स्ट का क्लियर आंसर था, सेकंड का वॉज रीडिंग था, थर्ड का शी डजंट लाइक टू डांस था, और फोर्थ का ब्यूटीफुल था, और फिफ्थ का इन था। सेक्शन बी लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन होगा, जिसमें आपको प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे और उसका आपको सॉल्यूशंस निकालना है। इसमें बस दिमाग यूज करके, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के आपको सॉल्व करना है, बहुत अच्छे से आराम से हो जाता है। सेम इसमें भी फॉलो करेंगे, क्वेश्चंस पहले कीजिए, पॉज करके देखिए टाइम अगर ज्यादा लगता है तो, और इसके बाद हम आंसर की आपसे शेयर करेंगे। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस 2, 6, 12, 20 ब्लैंक। इसमें एक पैटर्न होगा बिटवीन द नंबर्स, जो कि आपको फाइंड आउट करना है, और उस हिसाब से इन फोर ऑप्शंस जो आपके स्क्रीन पर हैं, उसमें से एक चूज करना है। क्वेश्चन टू, इफ ऑल पीज आर क्यूज एंड सम क्यूज आर आर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल 10th क्लास के मैथ्स प्रॉब्लम पे बेस्ड है। वेन डायग्राम्स आपने सुना होगा, उसको अगर आप ध्यान रख के करेंगे तो ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। क्वेश्चन थ्री, अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ, ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंड देन अनदर 180 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। ये सॉल्व करने का आसान तरीका के लिए आप एक क्लॉक के ऊपर आदमी इमेजिन कीजिए, और उसी हिसाब से अगर आप करेंगे तो आपको आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। अगर आप 12 o'clock को नॉर्थ माने, 6 o'clock को साउथ माने, 3 o'clock को ईस्ट माने और 9 o'clock को वेस्ट माने तो। क्वेश्चन 4, चूज द ऑड वन आउट, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, क्यूब। आपको दिमाग लगा के इसमें ढूंढना है कौन सा ऑड वन आउट है और क्यों। रीजनिंग करोगे तो इसमें आराम से आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन 5, इफ सी ए टी इज कोडेड एज 3120, व्हाट इज द कोड फॉर डी ओ जी। तो इसमें हर एक लेटर का इन्होंने एक कोड दे रखा है, आपको क्यों उस लेटर का वो कोड है
वो निकालने के बाद आपको इजीली पता चल जाएगा कि डी ओ जी का कोड इन चार ऑप्शंस में से क्या है। सो लेट्स मूव ऑन टू द आंसर की। सेक्शन बी लॉजिकल रीजनिंग का आंसर की ये आपके सामने है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड चेक योर आंसर्स और अपना स्कोर साइड में लिख लीजिए। क्वेश्चन 1 28, क्वेश्चन 2 सम पीज आर आर्स, क्वेश्चन 3 वेस्ट, क्वेश्चन 4 क्यूब, क्वेश्चन 5 4157। नाउ टू द नेक्स्ट सेक्शन जो कि कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन है। इसके इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं। रीड द पैसेज, आपको एक पैसेज दिया जाएगा और उस हिसाब से आपको अपने आंसर्स उसी पैसेज में से ढूंढने हैं और क्वेश्चंस भी उसी पैसेज में से आपको पूछे जाएंगे, तो थोड़ा सा टाइम आप इस पैसेज पे जरूर लगाइए। सो आपका पैसेज ये है। द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ कैनॉट बी ओवर स्टेटेड। व्हाइल फिजिकल हेल्थ इज ऑफन गिवन प्रिसीडेंस, मेंटल वेलबींग इज इक्वली क्रूशियल। मेंटल हेल्थ इंपैक्ट्स आवर थॉट्स, बिहेवियर्स एंड इमोशंस। It is essential to handle stress related to others and make choices. Therefore, maintaining mental health is vital for living a balanced and fulfilling life. ये जो paragraph है, this is very much connected with our day-to-day life also. So, इसी हिसाब से आपको connections and questions आएंगे. Question 1. What is the main idea of the passage? तो इसमें से आपको इसका मोरल क्या लगा वो आपको इसमें चूज करना है। बहुत सिंपल आंसर्स हैं, अगर आपने ध्यान से पैसेज पढ़ा होगा आप आराम से इसका आंसर पता कर लेंगे। ए, फिजिकल हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेंटल हेल्थ। बी, मेंटल हेल्थ इज क्रूशियल फॉर ओवरऑल वेलबींग। सी, स्ट्रेस इज अ मेजर फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ। डी, इमोशंस डू नॉट इंपैक्ट फिजिकल हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाई इज मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए, इट हेल्प्स इन फिजिकल डेवलपमेंट। ऑप्शन बी, इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फिजिकल हेल्थ। ऑप्शन सी, इट इंपैक्ट्स थॉट्स, बिहेवियर्स एंड इमोशंस। डी, इट ओनली हेल्प्स इन मेकिंग चॉइसेस। आप पैसेज को फिर से रेफर कर सकते हैं और आराम से आपको इसका आंसर आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज एन एस्पेक्ट अफेक्टेड बाय मेंटल हेल्थ। हैंडलिंग स्ट्रेस, रिलेटिंग टू अदर्स, मेकिंग चॉइसेस, फिजिकल एक्सरसाइज। अगेन पैसेज रेफर करके उसमें आपको आंसर मिल जाए। क्वेश्चन 4। व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। इन्फर्ड मतलब क्या रिलेशन आप ढूंढ सकते हैं, क्या मतलब इन दोनों का क्या कनेक्शन है। इन्फर्ड का मतलब ए, दे आर अनरिलेटेड। बी, फिजिकल हेल्थ इज डिपेंडेंट ऑन मेंटल हेल्थ। सी, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर बैलेंस लाइफ। एंड डी, मेंटल हेल्थ इज सेकेंडरी टू फिजिकल हेल्थ। 5. Choose the synonym for crucial as used in the passage. इसका मतलब synonym मतलब पर्यायवाची। तो crucial use नहीं किया गया है पर उसका ये पर्यायवाची, ये जो चार options है इसमें से एक option passage में use किया गया। तो आपको passage का अगर मतलब समझ में आ गया तो ये answer भी आप easily कर देंगे। A का minor, B का important, C का optional, D का insignificant। तो इसका answer की क्वेश्चन 1 का आंसर है मेंटल हेल्थ इज क्रूशियल फॉर ओवरऑल वेलबींग। 2 का इट इंपैक्ट्स थॉट्स, बिहेवियर्स एंड इमोशंस। 3 का फिजिकल एक्सरसाइज। 4 का बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर बैलेंस लाइफ। एंड 5 का इंपॉर्टेंट। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर टेस्ट नंबर 1। अपने आप मार्क्स जरूर टैली कर लीजिए, उसको नोट करके रखिए क्योंकि आने वाले टाइम में और भी सैंपल पेपर्स आई विल बी अपलोडिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। हर 2-3 दिन में एक सैंपल पेपर आपके लिए मैं चैनल पे लाऊंगा। अपने फ्रेंड्स और जिन्होंने भी नीट क्लियर किया है सबसे शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट।